न्यूज टाइम हैदराबाद। खुशामदीन नाजरीन, आज के राउंडअप न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। सऊदी अरब इस साल भी कोरोना वायरस की वबा को फैलने से रोकने के लिए खुसूसी हालात में हज का इंतजाम करेगा। इस साल अमले मंसूबे की मजीद तफसील का बाद में किसी भी वक्त ऐलान किया जाएगा। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में फायरिंग से एक 4 साल बच्ची की मौत वाक़ हुई है और 3 अफराद जख्मी हुए है, जिसकी तस्दीक न्यूयॉर्क सिटी पुलिस ने की है। दुबई ने कोविड जमन में भारत और दुबई के दरमियान हवाई पुल बनाने का इरादा जाहिर किया है, ताकि कोविड के लिए दरकार तिब्बी इमदाद पहुंचाने के लिए आसानी होगी। अफगानिस्तान में बम धमाकों में 13 अफराद हलाक और 42 जख्मी। बम धमाकों के बाद इलाके में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है और चेकिंग का अमल जारी है। रियासत कर्नाटक में 14 दिन का लॉकडाउन नाफिज किया गया है, जो आज से शुरू होगा। जरूरी अशिया के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक यानी 4 घंटे की नरमी दी जाएगी। मध्य प्रदेश के संगरौली जिले में अस्पताल पहुंचने के लिए एक शख्स को अपनी ही बेटी की लाश को 35 किलोमीटर तक पोस्टमार्टम के लिए चारपाई पर ले जाने पर मजबूर होना पड़ा। वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में बरोजे मंगल प्रगति भवन में काबीना की मीटिंग मुनक़िद होगी, जिसमें कोरोना के तनाजिर रियासत में लॉकडाउन के नाफिस के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत तेलंगाना में फूड सिक्योरिटी कार्ड्स पर हर फर्द को 5 किलो चावल मुफ्त तकसीम का ऐलान किया, जो 2 माह तक जारी रहेगा। मुतहदा आंध्र प्रदेश के साबिका डायरेक्टर जनरल पुलिस प्रसाद राव चल बसे। तफसीलात के मुताबिक वो अमेरिका में मुखिम थे। कल रात इनके कल्ब पर शदीद हमला हुआ। इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां पर इनकी मौत वाक़ हो गई। हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाके कोटी में भयानक आग लगने का वाक़ा पेश आया। आज दोपहर कोटी के हनुमान टेकरी के नकोड़ा कॉम्प्लेक्स में लगी आग का फैली कॉम्प्लेक्स के तमाम दुकानों में फैल गई, जिससे मुकामी लोगों में खौफ और हरास फैल गई। इत्तला मिलते ही फायर इंजन मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। रियासत तेलंगाना में महकमे सेहत व तप ने मेडिकल प्रोफेशनल्स के तकरीरात के लिए अमालिया जारी किया है। दरख्वास्तें 22 मई तक ऑनलाइन के जरिए दाखिल की जा सकती है। मजीद तफसीलात वेबसाइट से हासिल करें। अंबरपेट के खादीबाग की मस्जिद में एक ही हफ्ते में 2 बार चोरी का वाकया पेश आया, जिसमें मस्जिद के मौजन के मोबाइल फ़ोन और पैसे भी शामिल है।